ब्रेसेस जी, मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है क्योंकि क्या बोलते हैं यार उसको, वो पूरा हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल आई एम एंड दिस इज योर गर्ल सोनिया। सो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए, या स्पेशल है स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी एक नई जर्नी के बारे में जो कि स्टार्ट हो चुकी है बट, और मैंने उसके क्लिप्स भी लिए हैं। सो फाइनली ये हो रहा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय ब्रेसेस। जी हाँ, लाइक आई एम वेरी हैप्पी, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बट मैंने सारा रिसर्च कर लिया, अपने डॉक्टर से बात कर ली है, डेंटिस्ट से बात हो गई है, मेरा जो स्कैन होता है या मेरा एक्सरे और मेरे दांतों की क्लीनिंग ये सब हो चुकी है। अब फाइनली सैटरडे मेरा अपॉइंटमेंट है, तब मैं जाऊंगी और मेरे को फाइनली ब्रेसेस लग रहे हैं। लाइक यू नो, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जॉब हो गया, सब हो गया भाई, शादी भी हो गई, फाइनली अब मैं ब्रेसेस लगवा रही हूँ। इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। और आई एम 27 और मुझे बताने में कोई शर्म या झिझक नहीं है एंड या मुझे ये करवाना ही था, तो पहले नहीं हो तो अब सही। और इस पूरी जर्नी में मैं आप लोगों को इसका पार्ट बनाने वाली हूँ, स्टे विद मी। और आपको भी लगवाना है तो आप भी लगवा सकते हो यार, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। आई नो मैं ये सब बोल रही हूँ, अंदर ही अंदर मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है क्योंकि मुझे पता है कि दर्द तो देखो होगा, ठीक है, बट इट्स ओके, वो सब कुछ वर्थ होगा। जब मैं अपने दांतों को ऐसे सीधा देखूंगी ना तो मेरे वो दर्द मेरे लिए वर्थ होगा, तो इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं व्लॉग करने वाली हूँ, बिकॉज डेंटिस्ट को भी मैंने बता दिया कि मैं व्लॉग करने वाली हूँ। सो या आप लोग मेरी जर्नी से अगर कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हो या आपको इतना सा भी कुछ पता चले तो वो वर्थ होगा यार, बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे और वो चाहते होंगे कि वो सही करवा लें, लेकिन उन्होंने लगे अरे यार अब तुम 25 से या 26 के हो गए, 27 के हो गए, 30 के हो गए, बट इट्स ओके यार, तुम कभी भी कुछ भी करवा सकते हो, एक ही लाइफ है तो जस्ट गो फॉर इट। एंड या ये मैं अपने आप को अपने आप को हिम्मत देने के लिए कह रही हूँ, तो इट्स ओके। सो या अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फर्स्ट क्लिप्स जो मैंने ली थी फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे। तो जैसे कि आपने अभी वो छोटी छोटी क्लिप्स देखी, वो मैंने ली थी और दांतों की क्लीनिंग हो गई है, स्कैन हो गया है, एक्सरे हो गया है और यू नो पूरा ऐसे क्या बोलते हैं यार उसको, वो पूरा ढांचा में लगा के ना पूरा अच्छे से पूरा वो भेज दिया है और मेरे को एक स्पेशली ऑइंटमेंट्स दिए हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे एक हफ्ते तक यूज़ करने थे। तो या अब मैं आपको व्लॉग में दिखूंगी उस दिन जब मेरे ब्रेसेस लग चुके होंगे, तो देखते हैं मैं इतना बोल भी पाती हूँ या नहीं, बट इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा, जय भोलेनाथ। तो ठीक है, सो सैटरडे आ गया है और अभी मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम होने वाला है आधे घंटे में, तो लास्ट टाइम मेरे टेढ़े मेढ़े दांत देख लीजिए क्योंकि बहुत जल्द सीधे होने वाले हैं, चलते हैं और करवाते हैं अपने दांत सीधे। इट्स हैपनिंग फाइनली, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आ गए हैं हम घर वापस और अभी उन्होंने सिर्फ ऊपर वाले दांतों पे ब्रैकेट्स लगाए हैं एंड आई नो ये बहुत वियर्ड लगेगा बट ये जर्नी का पार्ट है तो शेयर करना ही है, बट तो इसीलिए ये देखिए ऐसे पूरे ये ब्लू कलर के रबर्स लगा दिए हैं ताकि स्पेस बने। अब नेक्स्ट सिटिंग में थोड़े से और लगेंगे, देन उससे नेक्स्ट सिटिंग में देखते हैं, ऐसे सिटिंग करके ही होगा, एकदम से नहीं लगाते हैं, पहले वो थोड़ा यूज़ टू करवाते हैं कि भाई हमारे को हम थोड़ा यूज़ टू हो जाए इस चीज़ से। ये अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।